सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संध्या राणा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़ पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं हमेशा की तरह अपने प्यारे से घर से और अपने खूबसूरत गांव जोगोर से। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत मेरे सुबह हो रहे है घर से। तो प्रांजलि देखे अभी बिस्तर पर लेटी हुई है, तो इसको मैं अभी चाय लेके आ गई हूँ। तो अभी सुबह की 6 बज चुकी है और 6 बजे आज ना मेरा नाश्ता पानी सब रेडी हो चुका है। और बाहर देखे अभी अभी हल्की सी रात खुली हुई है और आज मुझे जाना है खेतों में। तो ये थैला मेरा रेडी हो चुका है खेत में जाने के लिए। तो आज से हम खेत में हल लगाना शुरू करेंगे। तो रोटी सब्जी मैंने बना के तैयार कर ली है और अब मेरी कंडी भी रेडी हो जाएगी खेतों की ओर। तो आजकल लोग ना सुबह जा रहे हैं खेतों में काम धाम करने के लिए, क्योंकि हल लगाना शुरू हो गया है पहाड़ों में और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये मेरी कंडी रेडी हो चुकी है खेत में जाने के लिए। और यहाँ देखिए रुचि मैडम कहाँ से आ रही, वॉक करके आ रहे बस सुबह सुबह एक। तो खेतों में जाने से पहले आप लोगों को करवाते हैं यहाँ पे जाग भगवान के दिव्य दर्शन। और यहाँ पे देखे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ जाक में और जो हमारे हल लगा रहे हैं ना जेठ जी, तो वो जा रखे हैं गौशाला बैल लेने। तो मुझे वहाँ पे तो मुझे यहाँ जाक पे करना पड़ेगा बैलों का इंतजार। अब इस सारा जाग मार्केट सुनसान हो रखा है और पीछे वाले फील्ड में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं सुबह धूप लगने से पहले आगे। और अभी मौसम देख सकते हैं बिल्कुल बदला बदला हुआ है। और यहाँ से देखिए अभी हमारा प्यारा सा गांव सुबह सुबह किस तरह से दिखाई देता है। तो ये देखिए आ चुके हैं हमारे बैल और अभी मैं ना इनको लेके जा रही हूँ खेत में। तो सब लोग चले गए हैं खेतों में हल लगाने के लिए। तो आज मौसम बदला हुआ है तो काफ़ी ठंडा लग रहा है। और एक तरफ से हम एक सारे में हल लगा रहे हैं और हमारे दूसरे सारे में देखिए गेहूँ कैसे हो रखे हैं बिना बारिश के। आ जाओ जरा सी चाय पियाओ। तो अभी हम आ रखे हैं खेत में और एक छोटा सा कतर हमने सामने लगा लिया है छोटा सा खेत। और अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं साड़ा वाले खेत में और ठंडा इतना ज़्यादा है ना खेतों में आते आते इतने बड़े बड़े चाय के गिलास अड़िया लिए हैं। और साथ में यहाँ पे हमारे सासू जी भी हैं, ये तो हमसे पहले आ चुके थे यहाँ पे पहले एक समय। तो आधा लगा लिया था और आधा खेत रह गया है अभी। आज इसे हमारे हल लगाने की शुरुआत हो रही है। तो पहाड़ों में ना कोई भी काम हो सबसे पहले शुरुआत होती है अपने काम की गर्मा गर्म चाय से। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने। तो मैंने सारे खेत में बटिया दिया था आवाज़ लगा के चाय पीने आओ, तो कोई नहीं आए। कोई बात नहीं, हम अपने आप पी लेते हैं। पी लेते हैं कड़े वाणु अलाणु बड़े वाणु तो ना बहुत अच्छू। तो थोड़ा सा कुछ दिन पहले बारिश आई थी ना, तो उस बारिश से अच्छा अल्लाह आ रहा है खेत में। अगर बरखा नहीं होने ना तो नीचे होने तब तो बिल्कुल नहीं। तो हमारे आजकल बरखा है तो बहुत अच्छा हुआ क्या नहीं। तो जो हमारे पहाड़ों में सीढ़ीनुमादार खेत होते हैं ना, तो ये ऊपर आसमान वाली बारिश का ही सहारा है। जब बारिश आएगी तब जाके हमारे खेतों में अनाज भी होगा हल भी लगेगा।
तो इधर देख सकते हैं सारे लोग आजकल ना खेतों में हल लगा रहे हैं। तो अभी धूप आ रही है सामने मड़ू गांव में। तो ये है हमारे हीरा और मोती, और देखिए कुछ इस तरह से हमारे पहाड़ों में हल लगाया जाता है। और जो ये मिट्टी के डल्ले दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनको हम कुदाल से फोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे पूरी मिट्टी को समतल बनाएंगे जहाँ पे ऊँचे ऊँचे मिट्टी के डल्ले दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको इन पहाड़ी खेतों में। तो देखिए हमने पूरे खेत में लगा लिया है हल, और जो ज्वाल लगाते हैं ना जिसको बोलते हैं पाटा, तो ज्वाल भी लगा दिया है हमने। और अब हमारी तैयारी है रोटी खाने के लिए, क्योंकि जेर जी ने जाना है काम पर, तो इसीलिए हम रोटी खाते हैं। और टाइम भी 10 बज चुकी है, तो 10 बजे हो रहा है हमारा सुबह का नाश्ता। तो सब लोग देख सकते हैं आजकल खेतों में कितने अस्त व्यस्त हो रखे हैं। तो अब बैल जाएंगे सीधे घर। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने। तो देखते हैं नाश्ते में क्या बना रखा है हमने। तो नाश्ते में हमने ला रखे हैं आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी, और साथ में रोटी, और रोटी के साथ चाय। तो खेतों में ना खाना खाने का बड़ा आनंद आता है। तो चलो हम भी खा लेते हैं रोटी। तो हमने अपने खेत की जो धान है ना, जिसको बोलते हैं काम धाम, तो ये हमने निपटा लिया है। और अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तो परमला दीदी भी आई थी साथ में, तो अब पूरा खेत का काम हमने निपटा दिया है। और जो खेतों में खरपतवार होते हैं ना, तो इसको भी हमने इकट्ठा करके काम फिनिश कर लिया है। और रोटी वगैरह तो हमने खा लिया है, और अब जाएंगे हम घर, और ये जाएगी दूसरे खेत में जिसको बोलते हैं पड़ियाली। पड़ियाली पता किसको बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, किसी दूसरे के साथ जाना, उनके साथ मदद करना, फिर जब इनका खेत लगेगा ना तब इसके साथ जाएंगे, उसको बोलते हैं पड़ियाली में जाना। तो चलो यार मैं भी चलती हूँ, मैं कंडा मैं ज्वाल दौरी दे बल। तो मुझे जाना है ज्वाल लेके। और अभी हमारे घर पे लगे हुए हैं मिस्त्री काम धाम पे, तो घर में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलो चलती हूँ, जब हाँ चले जा, बाय बाय। तो अब हम सीधे जाएंगे परसों, क्योंकि कल लगेगा जो हल लगा रहे थे उनके खेत में हल, और अब हमारे खेत में लगेगा परसों। तो हल लगाने के बाद ना कुछ इस तरह से बैलों को सारी में छोड़ा जाता है चरने के लिए। और देखिए हमारा गांव है सामने, तो अपने गांव से काफ़ी दूर हम आ रखे हैं। यहाँ के लिए बोलते हैं स्वाड़ा। तो स्वाड़ा वाले खेत में हम आ रखे थे, और आज देखिए कैसी हवा चल रही है। अभी तक तो बहुत तेज़ वाली धूप हो रही थी। तो हमारे खेतों में रास्ता नहीं होते हैं, तो ऐसे पेरे पड़ रखे हैं ना, यानी कि खेत टूट रखे हैं, इनको बोलते हैं पेरे। तो खुद रास्ता बनाना पड़ता है यहाँ, लेकिन मेरे कंडे के ऊपर से रखा है जो, तो मैं ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। ओ गॉड। तो सांस फूल गए है चढ़ाई पे आते आते। और जो हमारे घर जाने का रास्ता एक तो इस साइड से था, तो ये वाले साइड से पता क्यों आना पड़ा मुझे, क्योंकि ये ज्वाल रखना है ना यहाँ ऊपर वाले खेत में, तो इसको लेके आया यार मैं इधर। हालत डाउन हो गई मिट्टी खोदते खोदते, बिल्कुल जाने की गुंजाइश नहीं आ रही है शरीर पे। तो यहाँ पे रखा है हल लगाने वालों ने नसड़ो हल, तो यहीं पर रखूँगी मैं इसको। ये देखिए
इधर सारे खेतों में देख सकते हैं, अल्लाह गा रखा है। इनको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में बाणी को मोनिकल लेवल। तो काम धाम इनमें कर लिया है। इसके बाद जो खर पतवार होते ना इसको जला के फिर बाद में बोएंगे धान। तो धान वाली सारी है हमारी,